हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा डे 7 है एसएससी जेई की प्रिपरेशन का। इससे पहले हम कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाले आपको क्वेश्चंस करने हैं। दो तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर एसएससी जेई के एग्ज़ाम में। आज हम टाइप 1 करेंगे और कल हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके पहले सबसे बेसिक चीज़ जो आपको समझना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, हम वो समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा कराऊंगा, उसके बाद वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको आपने ध्यान से समझना है। अगर आप ये चीज़ ध्यान से समझ जाओगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा होगा ब्लड रिलेशंस पर, तो आप आराम से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हस्बैंड और वाइफ से। ठीक है, यहाँ से रिलेशन समझना स्टार्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली करोगे। जैसे मान लो हस्बैंड है, उसकी पत्नी को वाइफ कह देते हैं, तो आप सभी को पता है। अब जब भी हम किसी लड़के की बात करेंगे, चलो वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले जनरेशन गैप के बारे में समझ लेते हैं। अगर एक मान लो हस्बैंड है, आप अपने आप को यहाँ पे अज्यूम कर लो, आपका भाई क्या होगा? आपका ब्रदर होगा, सिंपल सी चीज़ है। आपकी सिस्टर, आपकी बहन आपकी सिस्टर होगी, ये भी सिंपल सी चीज़ है। अगर आप हम लड़की की तरफ से करते हैं, अगर कोई लड़की है, उसका भाई क्या होगा? उसका ब्रदर, सिंपल सी बात है। उसकी बहन क्या होगा? उसकी सिस्टर से सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में सभी को पता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप अपने आप को मान लो यहाँ पर हस्बैंड, आपकी कोई ना कोई वाइफ है, तो आपकी वाइफ का जो भाई है वो आपको क्या लगा? आपकी पत्नी का तो सिंपल ब्रदर है, आपका क्या लगा? वो आपका भी भाई होगा, बट ब्रदर इन लॉ। वैसे ही आप अपने आप को यहाँ पे अज्यूम करो, आपकी वाइफ है, उसकी कोई ना कोई सिस्टर हो सकती है। जो उसकी सिस्टर है, आपकी वाइफ की जो सिस्टर है, वो आपकी भी सिस्टर होगी, बट क्या कहा जाएगा? सिस्टर इन लॉ। इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। वैसे कोई लड़की है, अगर मान लो उसका हस्बैंड है, तो उसके हस्बैंड का भाई, उसका तो हस्बैंड का तो भाई है, अब इस लड़की का क्या लगा? इसका भी ये भाई लगेगा, बट ब्रदर इन लॉ। वैसे ही कोई लड़की है, उसका हस्बैंड है, उसकी बहन होगी, तो वो वाइफ के क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। इतनी चीज़ क्लियर है? हस्बैंड का जो भाई है वो सिंपल भाई, अगर बीवी की बात करें तो वो क्या होगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। इस तरह से इसको समझना है। एक बार समझ लेते हैं, फिर से रिवाइज करेंगे इन सारी चीज़ों को। अब हम आगे जनरेशन गैप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई है, अब जैसे आप हो, आपके भाई का लड़का आपका क्या लगेगा? नेफ्यू। आपके भाई की लड़की आपकी क्या लगेगी? नीस। इसी तरह से आपको समझना है। अब जनरेशन गैप की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप अपने आप को मान रहे हो, आपके पिता, आपके डैडी, आपके फादर लगे, आपकी मम्मा, आपकी मदर है, सिंपल सी चीज़ है, कोई यहाँ पे लॉजिक वाली ज़रूरत नहीं। अब आपका जो, आपके जो पापा हैं, उनका जो भाई होगा वो आपको भी भाई लगेगा। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए सेम कंसेप्ट रहता है ये वाला। आपके पापा का भाई क्या लगा? आपका अंकल। आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी? आंटी, आंट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर वाइफ की बात करें, सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं मदर वाली साइड, मम्मा की साइड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपके मम्मा का जो भाई होगा, आपका अंकल। आपकी मम्मा की जो बहन होगी, आपकी आंट। तो यहाँ पर भी अंकल आंट था, यहाँ पर भी अंकल आंट था। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो पापा के साइड में होंगे वो होंगे पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट, और जो यहाँ पे मम्मा के साइड में होंगे वो क्या हो जाएंगे? मैटर्नल अंकल और मैटर्नल आंट। यानी कि पी से पापा, पी से पैटर्नल, एम से मम्मा, एम से मैटर्नल। ठीक है, तो आपके पापा का भाई आपका अंकल, आपके पापा की बहन आपकी आंट। वैसे ही आपके मम्मा का भाई आपका अंकल, आपके मम्मा की बहन आपकी आंट। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद अब जैसे सिंपल सी चीज़ हो रहा है, अब आपके पापा हैं, आपके पापा का भाई, यानी कि आपके अंकल, आपके चाचू कर लो, आपको ताऊ कर लो, कुछ भी कर लो, उनका बेटा क्या होगा? आपका कज़न वगैरह हो गए वो सारे। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको पता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं समझाने की। आगे की तरफ चलते हैं। और अब आप हो, आपके पापा के पापा आपके क्या लगे? ग्रैंड फादर। आप हो, आपके पापा की मम्मी आपकी क्या लगी? ग्रैंड मदर। इतना क्लियर हो गया? अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आप हो, आपके मम्मा के पापा आपके क्या लगेंगे? ग्रैंड फादर। आपकी मम्मा की मम्मा आपके क्या लगेंगे? ग्रैंड मदर। तो डिफरेंस क्या हुआ? जब हम फादर की साइड से लेंगे ना, हम बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर या फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि आपके दादू और दादी हो गए, वो आपके क्या लगे? पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। वही अगर हम मम्मा की तरफ से लें, मम्मा के पापा ग्रैंड फादर, मम्मा की मम्मा ग्रैंड मदर, बट ये मैटर्नल साइड हो जाएगा। मैटर्नल ग्रैंड फादर आपके नानू, मैटर्नल ग्रैंड मदर आपकी नानी। क्लियर हो गया? तो मम्मा के साइड के रिलेशंस को मैटरनल बोलेंगे, फादर के साइड के रिलेशंस को हम पैटरनल बोलेंगे। आगे यहाँ पे और चीज़ें समझ लो। अब यहाँ पर हम जनरेशन गैप की बात कर रहे थे, आपके बाद पहले वाली जनरेशन पापा, उसके पहले वाली जनरेशन ग्रैंड फादर।
अब हम आपके बादल जनरेशन की बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपका कोई बेटा है तो सन, आपकी कोई बेटी है तो डॉटर, इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आपका बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी है, वाइफ है, तो वो आपकी भी बेटी लगी, बट डॉटर इन लॉ। ये आपका सन था, ये आपकी डॉटर थी, बट आपके जो बेटा है उसकी जो बीवी है वो आपकी क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ। वैसे ही आपकी लड़की है, उसका हस्बैंड है, वो आपको क्या लगेगा? सन इन लॉ। आपका वो भी बेटा हुआ बट सन इन लॉ, ठीक है। फिर आगे आपके जो सन है या डॉटर है उनके आगे जो बेटे होंगे वो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उनके आगे जो बेटे होंगे वो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इस तरह से। एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेते अगर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसके अगर ये आपको पता होगा कैसा कंसेप्ट, तभी हम बाकी के क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर आप अपने आप को अज्यूम करो हस्बैंड, अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर अपने आप को अज्यूम करो, ठीक है। अब आपका जो भाई होगा, आपका भाई सिंपल है, आपकी सिस्टर, आपकी सिस्टर। अब आपकी जो वाइफ है उसका जो भाई होगा वो आपको क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। आपकी वाइफ की सिस्टर आपकी क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। इतना क्लियर हो गया? वैसे रिवर्स केस में भी आप कर सकते हो वाइफ के लिए, ठीक है। अब आपके फादर का भाई, आपके पापा का भाई आपका अंकल, आपके पापा की बहन आपकी आंट, ठीक है। तो यहाँ पे पापा के साइड में पैटरनल अंकल, पैटरनल आंट, मम्मा के साइड में मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। वैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर है, तो पापा के साइड में पैटरनल, मम्मा के साइड में मैटरनल। तो बाकी आपका सन है तो उसकी बीवी है तो डॉटर इन लॉ। आपकी अगर कोई बेटी है उसका हस्बैंड है तो वो हो जाएगा आपका सन इन लॉ। उसके आगे आपके जो बेटा बेटे उनके आगे बेटा बेटे होंगे तो ग्रैंड सन, ग्रेट डॉटर, और आगे उसके आगे जो जनरेशन होगी वो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इस तरह से सब कुछ चलेगा। आपके भाई के या बहन के जो बच्चे होंगे जो वो उनको नेफ्यू नाइस वगैरह करके बोलेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो हम क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, हम जब भी किसी मेल मेंबर की बात करेंगे उसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बॉक्स में डालेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं फादर की, तो मेल मेंबर है, हमने इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला। यहाँ पर हम बात करते हैं और ब्रदर की, कैसा रिलेशन है, कैसा है ये, जेंडर है, ये मेल है, हमने इसे डाल दिया किसमें? रेक्टेंगुलर बॉक्स में। इतना क्लियर हो गया? जब भी हम फीमेल की बात करेंगे हम सर्कुलर बॉक्स में डालेंगे, सर्कल में डालेंगे उन्हें। जैसे मदर, क्या जेंडर क्या है? फीमेल, सर्कल में डाला। उसके बाद जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर जेंडर फीमेल है तो सर्कल में डाल दिया। मदर, तो यहाँ पे ये भी सर्कल में डालेंगे इस तरह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मेल को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालेंगे, फीमेल को सर्कल में। जब भी हम कपल की बात करेंगे, जैसे मम्मी पापा हो गए, तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे ये वाला, इस तरह के एरो से। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एक कपल है, इस तरह से डिनोट करेंगे। फादर मदर कपल है, इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कपल के लिए? जनरेशन गैप की जब हम बात करेंगे तो हम इस तरह से किया करेंगे, जैसे आप हो, आपके पापा, एक जनरेशन गैप है ना, तो बीच में इस तरह का एरो डालेंगे। आपके पापा और आपके दादा, इनमें भी एक जनरेशन गैप है, तो इस तरह के एरो से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और बाकी भाई बहन का जो रिलेशन होगा उसको सिंपल एक डैश या लाइन कह लो, उसे हम डिनोट करेंगे। एक बार फिर से, मेल को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालेंगे, फीमेल को सर्कल में, कपल के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे, जनरेशन गैप को इस तरह से डिनोट करेंगे, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हम सिंपल एक लाइन से शो करेंगे। क्वेश्चन शो करते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझो क्या है, कहा गया है, ये सिंपल क्वेश्चन है, SSC JEE के एग्जाम में नहीं आया, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। इसके बाद हम SSC JEE वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है। अब यहाँ पर जब तक आपको जेंडर मेंशन ना हो ना, तब तक आपने सिंपल ए बी करके ही लिखना है। जब आपको जेंडर मेंशन हो जाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स में डालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ए इज बीज सिस्टर, यानी कि ए जो है वो बी की बहन है। अब जब आप SSC JEE का एग्जाम दोगे ना, क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लैंग्वेज सेलेक्ट करो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जिसमें आपको समझ आएगा वही लैंग्वेज सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है, यानी कि ए का जेंडर हमें पता लग गया वो लड़की है। तो ए को हम इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं, ए को हम किस में डालेंगे? सर्कल में डाल दिया हमने ए में, ठीक है। ए जो है वो बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर। बी का जेंडर हमें पता नहीं, तो भाई बहन का हमने आपको बताया रिलेशन सिंपल एक लाइन से बताना है, तो ए जो है वो बी की बहन है, तो इसलिए मैंने सर्कल में डाला। अब आगे चलते हैं, सी इज बीज मदर। अब जो सी है वो बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, यानी कि जनरेशन गैप यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर सी लिखेंगे और सी माँ है तो इसका जेंडर भी हमें पता है, सर्कल आ जाएगा। अभी तक हमें क्या कहा था, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ए सिस्टर है किसकी? बी की।
उसके बाद हमने कहा सी इज़ बीज मदर, सी कौन है, सी जो है वो बी की माँ है, तो सी को हमने सर्कल में रख दिया, बी की माँ है ना, तो जनरेशन गैप आ रहा है, इसे जनरेशन गैप के लिए ये वाला साइन यूज़ किया। उसके बाद समझो डी इज़ सी इज़ फादर, जो डी है वो सी का बाप है, यानी कि सी के आगे जनरेशन गैप हम डाल देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये आ गया हमारे पास डी और बाप है, तो इसको हम रेक्टेंगल में डालेंगे। डी कौन है, सी का बाप है, डी इज सी इज फादर, डी सी का बाप है। अगर छोटा होगा तो यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार में। देखो ए जो है वो बी की बहन है, इतना हमें पता लग गया। उसके बाद सी जो है वो इस बी की माँ है, सी जो है वो इस बी की माँ है। उसके बाद डी जो है वो सी का बाप है, इसका बाप कौन है, डी, तो डी लड़का होगा ना, तो डी जो है वो सी का बाप है, फादर है। उसके बाद कहा गया है ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की माँ है, यानी कि डी की भी आगे माँ आ गई, तो फिर से ए को जनरेशन गैप हम यहाँ पे ला देते हैं। तो यहाँ पर ई है, तो ई है कौन, डीज मदर, डी की माँ है, यानी कि लड़की होगी, तो सर्कल में हमने डाल दिया इसको। फिर अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से किस तरह से रिलेटेड है। अब ए का रिलेशन आपको बता रहा है डी से। अब यहाँ पे देखो ये है डी की बेटी, डी की बेटी, और डी की बेटी का आगे ये कुछ भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, हमें पता नहीं, बट ये दोनों भाई बहन हैं, इतना हमें पता लग गया क्योंकि हमने सिंपल लाइन से नोट किया है ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। अब डी से रिलेशन पूछा है, तो डी की ये बेटी है, आगे ये बेटी की, अब ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसका कुछ बेटा बेटी होगी, तो ये भी तो इसकी बेटी है, बेटी ये इसकी बेटी है ना ए, क्योंकि हमें जेंडर पता है, तो आगे इसी की जनरेशन आगे वाली है, तो यानी कि ए जो है वो सी की बेटी है, तो डी की बेटी क्या लगी, तो ये आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये ग्रैंड डॉटर, क्योंकि लड़की है, तो लड़की तो हुई क्या, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इसकी लड़की है उसकी आगे लड़की है, ये इसकी डॉटर, डी की ये डॉटर, डॉटर की डॉटर डी की क्या लगी, ग्रैंड डॉटर, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से समझा दो, आपको नहीं समझ आया तो देखो, ए जो था वो बी की बहन थी, सी जो है वो बी की माँ थी, डी सी का बाप था, ई डी की माँ थी, और पूछा था हमसे कि डी और ए का रिलेशन बताओ, डी ए से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये डी की बेटी है, डी की बेटी के आगे बेटी है, तो ये क्या लगी, ग्रैंड डॉटर लगी ना, अभी हमने समझा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चंस करते हैं, अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले खुद से करना, फिर वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा से देखना। ये लो क्वेश्चन, आप देखो क्या है, अब ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ईजी है अभी भी, बट अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कहा गया है अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित, अनिल इंट्रोडक्शन करवा रहा है किसका, रोहित का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, ये रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। देखो अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की कभी, ट्रिक से नहीं की, तो आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, तो करना तो अलग बात होगी, बट हम ट्रिक से करेंगे। अनिल ने इंट्रोड्यूस करवाया रोहित को और कहा कि रोहित कौन है, बेटा है किसका, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अब इस क्वेश्चन को हम वो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर हो जाएगा ये। देखो अनिल ने इंट्रोड्यूस कराया, अनिल और रोहित की यहाँ पर बात हो रही है, ये दोनों एक, अनिल जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है रोहित को, और क्या कह रहा है कि रोहित जो है, रोहित एज दी सन, सन है ना बेटा है, तो हमें पता लग गया क्या होगा, ये लड़का हो गया, एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर, यानी कि कोई लड़का है, भाई है, उसका बेटा है ये, मतलब यहाँ पे इसका बेटा है रोहित, इतना हमें पता लग गया। अब वो अनिल बता रहा है कि रोहित एज द सन लड़का है ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अब अनिल के बाप, पहले अनिल का बाप बना देते हैं यहाँ पे, अनिल हमने बना दिया, इसके फादर की बात कर ले तो जनरेशन गैप आएगा, तो ये हो गया अनिल का फादर, ठीक है, तो फादर है तो जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तो ये अनिल का फादर आ गया। अब क्या कहा है, फादर की वाइफ, फादर की वाइफ हम बात कर लेते, यहाँ पे कपल आ गया, तो फादर की वाइफ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कहा है अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित, अनिल ने इंट्रोडक्शन करवाया रोहित का और कहा एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसके बाप ये हो गया, उसकी बहन ये हो गई, फादर्स वाइफ हो गया, फादर्स वाइफ का अकेला भाई है ये, वाइफ का ये अकेला भाई आ गया, इसका लड़का है रोहित। अब आप यहाँ से समझो कहा है कि रोहित जो है वो अनिल से किस तरह से रिलेटेड है। क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार फिर से, अनिल ने इंट्रोडक्शन करवाया रोहित का और कहा एज द सन, बेटा है ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी कि उसके फादर
फादर हैं, उनकी वाइफ का एक भाई है, उसका अकेला लड़का है रोहित। तो बताओ अनिल और रोहित में क्या रिलेशन है? तो देखो यहाँ पर ये अनिल के पापा, ये मम्मा, तो अनिल की मम्मा का भाई क्या उनका मामा, ये अनिल का मामा है, तो अनिल के मामा का लड़का उसको क्या लगेगा, कज़न ही होगा ना यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी नहीं समझ आया, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा। अब ये लो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा गया है अमूल इज़ अतुल्स ब्रदर। अब हम क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे अमूल जो है वो अतुल का भाई है। एक जगह हम अमूल लिख लेते हैं, एक जगह हम अतुल लिख लेते हैं। अमूल कौन है? अमूल इज अतुल्स ब्रदर। अमूल जो है वो अतुल का भाई है। ठीक है, भाई बहन में सिंपल लाइन से रिलेशन बताते हैं, लड़का है तो हम इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देंगे। तो अमूल जो है वो अतुल का भाई है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहा है डार्ली इज अतुल्स ब्रदर। डार्ली अतुल की माँ है, अतुल की माँ है डार्ली, जनरेशन गैप आ गया, ये है डार्ली। अब इसको हम किस में डालेंगे, सर्कल में। डार्ली कौन थी? अतुल की माँ थी, इतना हमें पता लग गया। उसके बाद हमें कहा है लल्ली इज डार्लीज मदर, जो लल्ली है वो डार्ली की माँ है। आगे इसकी भी माँ आ गई, कौन है वो? लल्ली। तो इसको भी हम लड़की है क्योंकि मदर है ना, तो इसको भी हमने सर्कल में डाल दिया। उसके बाद कहा है प्रकाश इज लल्लीज फादर। अब इसका भी फादर है कौन? प्रकाश। प्रकाश इसका आगे फादर आ गया, तो जेंडर क्या होगा? मेल। तो हम इसमें डालेंगे इसको, प्रकाश को। ठीक है, ये सब कुछ बन गया। अब कहा है कि हाउ इज अमूल रिलेटेड टू प्रकाश। ये जो अमूल है ये इस प्रकाश से किस तरह से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। देखो प्रकाश की ये होगी बेटी, इतना क्लियर हो गया। प्रकाश की बेटी क्या लगी, यहाँ तक क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर। यहाँ तक रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, ग्रैंड डॉटर, इतना क्लियर है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की बेटी है, प्रकाश की बेटी ग्रैंड डॉटर आ गए। ये इसी के, ये दोनों भाई बहन है ना, तो डार्ली का ये लड़का हो सकता है, डार्ली का ये भी लड़का हुआ, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। यहाँ पे दोनों भाई हैं तो डार्ली का बेटा, ये भी डार्ली का बेटा हुआ। तो अमूल का रिलेशन बताना है प्रकाश से क्या है। तो प्रकाश की बेटी डॉटर, उसकी बेटी ग्रैंड डॉटर, आगे उसका बेटा, तो ये ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा ना। तो ग्रेट ग्रैंड सन, ये हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रैंड सन तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ग्रैंड सन वाली कैटेगरी होती तो वो यहीं पर आ जाता, बट ये उसे और नीचे की तरफ आ गया, तो ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड सन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, एक लड़की का इंट्रोडक्शन करवा रहा है राम। राम सेड टू हिज सन इन लॉ, राम ने अपने सन इन लॉ को कहा, एक लड़की का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, कह रहा है कि हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर्स ब्रदर इन लॉ। अब यहाँ पर देखो क्या है, राम इंट्रोडक्शन करवा रहा है ना, राम इंट्रोडक्शन करवा रहा है एक लड़की का, और क्या कह रहा है समझते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है हर ब्रदर इज द ओनली सन, मतलब लड़की का भाई है, हम लड़की यहाँ पर बना देते हैं, ये लड़की है, सर्कल में आएगी लड़की, लड़की को हम जी से डिनोट कर लेते हैं, गर्ल को। हर ब्रदर इसका एक भाई होगा, तो उसको हम किस में डालेंगे, रेक्टेंगल में, सॉरी ये बी कर देते हैं हम। ठीक है, लड़की का भाई, हर ब्रदर कहा कि इसका जो भाई है इज़ द ओनली सन, यह अकेला लड़का है, ये याद रखना, यहाँ पे ओनली सन लिखा हुआ, अकेला लड़का है। तो किसका लड़का है वो हम बात कर लेते हैं, ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ का लड़का है। ये कौन कह रहा है, राम कह रहा है, माई यूज़ हो रहा है ना राम के लिए, राम कह रहा है कि इसका जो भाई है वो अकेला बेटा है, जनरेशन गैप आ गया। किसका बेटा है यहाँ पे हमें बताना है, कौन आएगा वो, कौन है, इज़ द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ का। अब राम का ब्रदर इन लॉ बना देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो राम आ गया, ठीक है ये राम है, इसका ब्रदर इन लॉ कौन हुआ, इसकी बीवी होगी, राम की बीवी होगी, उसका कोई भाई होगा, है ना, तभी तो ब्रदर इन लॉ बनेगा। तो राम कह रहा था कि जो ये हमारे पास ये एक लड़की को इंट्रोडक्शन करवा रहा था और बोल रहा था कि जो इसका जो भाई है वो मेरे ब्रदर इन लॉ का अकेला लड़का है, ये किसने कहा था, राम ने। तो ये डायग्राम बन गई इस तरह से। ठीक है, तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन को समझते हैं स्टार्टिंग से। लड़की का इंट्रोडक्शन करवा रहा था और कहा कि इस लड़की का जो भाई है वो अकेला बेटा है मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो हमने अकेला बेटा है इसके ब्रदर इन लॉ का, तो इसका ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जो लड़का था उसकी एक बहन होगी, उसका हस्बैंड होगा राम, तो इस तरह से डायग्राम बनाई है। अब कहा है हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राम, ये लड़की जो है वो राम से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये हमको बताना है। तो ये राम जो लड़की है वो राम से किस तरह से रिलेटेड है। अब ये राम का एक तरह से भाई ही है, चाहे ब्रदर इन लॉ है तो हम भाई कहेंगे उसे, ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ का बेटा बेटी क्या होंगे, उसके नीस होंगे, भतीजी, नीस। तो डी बी ऑप्शन हमारे पास राइट है, क्योंकि अगर आपके भाई का लड़का आपको क्या लगेगा, नीस, ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पे इसके ब्रदर इन लॉ की लड़की क्या लगेगी, उसकी नीस लगेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन पेपर का, एसएससी जेई का, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और टाइप है, वो टाइप टू हम कल डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन और समझो यहाँ पर क्या है। कहा गया है एट अ फैमिली गैदरिंग सी एक्सप्लेन हर रिलेशन विद डी। अब यहाँ पे सी अपना रिलेशन बता रही है, हर बता रहा है ना, हर तो हर लड़की के लिए यूज होता है। सी का जेंडर हमें पता लग गया, फीमेल। सी एक्सप्लेन हर रिलेशन विद डी, सी ने एक्सप्लेन कर रही थी अपना रिलेशन डी के साथ। क्या कह रही थी सी, दैट डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सीज मदर मदर डी सॉरी कि डी जो है वो कौन है, ग्रैंड डॉटर यानी कि लड़की हुई है, इज द ग्रैंड डॉटर, किसकी ग्रैंड डॉटर है, सी की। यहाँ पे सी बना देते हैं, सी की माँ है, सी हमें पता है लड़की है, हमने पहले देख लिया था, सी की माँ होगी, सीज मदर मदर, सी की ये माँ आई, सी की मम्मा, उसकी आगे मम्मा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से समझो, सी ने अपना रिलेशन एक्सप्लेन किया डी के साथ और कहा कि डी इज द ग्रैंड डॉटर, डी ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है, सी की माँ की माँ है, सी की माँ की माँ है, उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है, डी। अब ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें गिवन है, यानी कि ये हमें पता लग गया कि डी जो है वो इसी की ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि सी की माँ की माँ की ग्रैंड डॉटर है ना डी। तो यहाँ पे एक गैप और आएगा, जनरेशन गैप, फिर डी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन और गिवन है, कहा गया है इफ सीज मदर हैज नो सिबलिंग, अगर सी की जो माँ है उसका कोई भाई बहन नहीं है, सी की माँ का कोई भाई बहन नहीं है, तो बताओ डी और सी कैसे रिलेटेड हैं, डी जो है वो सी से किस तरह से रिलेटेड है। अब अगर एम का कोई भाई बहन नहीं है तो यानी कि यहाँ पे ये तो कुछ आएगा नहीं, अगर कोई भाई बहन नहीं है और डी इसकी ग्रैंड डॉटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी इसी की लड़की होगी, है ना, क्योंकि डी ने क्या करना है, डी ने एम इसका ग्रैंड डॉटर बनना है, डी ने इसका ग्रैंड डॉटर बनना है, और ग्रैंड डॉटर बनने के लिए इसका बेटा बेटी होगा, उसके आगे ये बेटी होगी। तो हमें पता है कि इसकी एक ही बेटी है, क्योंकि इसका कोई सिबलिंग है नहीं, इसकी एक ही बेटी है, तो ये ग्रैंड डॉटर कैसे बनेगी एम की, इसकी ग्रैंड डॉटर कैसे बनेगी अगर ये इसी की लड़की होगी, है ना, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि बताओ डी सी से किस तरह से रिलेटेड है, डी और सी एक ही माँ है, उसकी दोनों बेटियाँ हैं, तो डी कैसे रिलेटेड होगी सी से, सिस्टर होगी ना, बहन होगी, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं जो आपको स्टार्टिंग में समझाए रिलेशंस उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद सेकेंड जो टाइप के क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक्स ने कहा वाई को, यहाँ पे क्वेश्चन देखना थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग से हो गया, अलग से क्या मतलब वैसे ही है। एक्स ने कहा वाई को, यहाँ पे एक्स और वाई बात कर रहे हैं, एक्स ने कहा वाई को कि माई सिस्टर्स फादर इन लॉ इज़ योर हस्बैंड्स फादर। अब यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली आप इसको नहीं समझ सकते, डायग्राम ला के समझते हैं इसको। एक्स ने कहा वाई को कि माई सिस्टर्स फादर इन लॉ लॉ, एक्स कह रहा है ना, एक्स क्या कह रहा है कि मेरी सिस्टर, माई सिस्टर्स फादर इन लॉ, पहले वहाँ तक बना लेते हैं, एक्स की कोई सिस्टर होगी, एक्स की कोई सिस्टर होगी, माई सिस्टर्स फादर इन लॉ, इसका फादर इन लॉ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक हस्बैंड होगा, इसका एक हस्बैंड होगा, उसका फादर होगा, वही इसका फादर इन लॉ होगा ना, ठीक है। तो एक्स ने कहा वाई को कि मेरी बहन है उसका फादर इन लॉ, यानी कि मेरी बहन के हस्बैंड का जो आगे मतलब बाप है, ससुर कह लो ऐसा, वो कौन है, इज योर हस्बैंड्स फादर। वाई को कह रहा है कि ये जो इंसान है वो तुम्हारे हस्बैंड का पति है, इज योर हस्बैंड्स फादर, तुम्हारे हस्बैंड का बाप है। अब यहाँ पर देखो वाई को कह रहा है कि इज योर हस्बैंड्स फादर, तो यानी कि वाई क्या होगी, लड़की होगी, वाई का जेंडर हमें पता लग गया, तो क्या कहा कि वाई के हस्बैंड का,
वाई के हस्बैंड होगा कोई ना कोई, उसका बाप है, इतना हमें पता लग गया। कौन? ये एफ। तो इसको चीज, इस चीज को हम बना देते हैं। तो ये वाई है एक लड़की, उसका हस्बैंड ये रहा, ठीक है, उसका बाप है ये हमें गिवन है। क्वेश्चन को फिर से समझो। एक्स ने कहा वाई को कि मेरी बहन का जो ससुर है, या माई सिस्टर्स फादर इन लॉ, वो कौन है? तुम्हारा, वाई को कह रहे तुम्हारे हस्बैंड का बाप है, तुम्हारे हस्बैंड का बाप है, इतना समझ आ गया। तो बताओ कि ये एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड हैं, इनका रिलेशन बताना दोनों का। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, अगर दोनों इसके बेटे हैं तो दोनों आपस में भाई होंगे ना, इतना क्लियर हो गया। अब समझो क्वेश्चन में कि एक्स और वाई का किस तरह से रिलेशन है। चार ऑप्शन था वो गिवन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स सिस्टर हस्बैंड ब्रदर। चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, वाई कौन है? वाइफ है, हाँ सही है, वाइफ है किसकी? एक्स के सिस्टर, एक्स के सिस्टर के हस्बैंड के भाई की वाइफ है, बिल्कुल सही। एक्स, ये जो वाई है हमारे पास, वो क्या है? पत्नी है। किसकी पत्नी है? एक्स की सिस्टर के हस्बैंड के भाई की पत्नी है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें आंसर इसका मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है पहले, और फिर सेकंड नंबर आपको काम ये करना है कि डी ऑप्शन आपको चेक करना है, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट आज की वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी की जो वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो बाकी की वीडियोज़ जो से पहले हो चुकी हैं। तो एक बार फिर से आपको ट्रिक समझा दूँ ये वाली, अगर आप भूल चुके हो। इसके बाद आपने क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और उनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। हस्बैंड, हस्बैंड का फादर, फिर आगे ग्रैंड फादर, ये सन था, और ये ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, इस तरह के जनरेशन गैप थे। और यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने क्या समझी थी, ये वाली, कि मेल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल में डालेंगे, फीमेल को सर्कल में, कपल के लिए ये साइन यूज़ करेंगे, जनरेशन गैप को इस तरह से बताएंगे, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन इस तरह से बताएंगे। तो इस किसी भी तरह का डाउट आज की वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।